कहावत सुन के हम लोग बड़े हुए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे घर वाले तो बहुत ये बात बोलते थे, मुझे उम्मीद है कि आपके पेरेंट्स भी, आपके बुजुर्ग भी आपको जरूर बोलते होंगे। एक पुरानी कहावत है, कहते हैं कि ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा कामयाबी मिलती है। हेलो, यस, सुना है आपने या पहली बार मेरे मुंह से सुना है? हेलो, मुझे याद है बचपन से जब मैं पढ़ रहा था तो सब बोलते थे ज्यादा मेहनत करो तो अच्छे नंबर लेके आओ, और मेहनत करो और मेहनत करो, और बचपन से दिमाग में एक चीज फीड कराते हैं कि ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा कामयाबी मिलती है या ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा पैसा मिलता है। ये बात आपको सिखाई है कभी, आप अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, हाँ या नहीं? यस। बाकी बात मैं आज आपको एक बात प्रूव करता हूँ कि ये बिल्कुल झूठ है। हेलो, ये शायद झूठ गलत शब्द होगा, ये सच है लेकिन ये अधूरा सच है, ये शायद बोलना चाहिए। मेहनत करने के बिना कुछ नहीं मिलेगा, ये बात ठीक है, लेकिन मैं आपको आज एक और सच से अवगत कराता हूँ, केवल मेहनत करने से पैसा नहीं आता। क्योंकि अगर ये बात सत्य होती तो एक रिक्शा वाले को सबसे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। yes. yes. एक आदमी जो बेचारा घर बना रहा है, जो ईंटें उठा रहा है, उससे ज्यादा मेहनत तो हम लोग सोच भी नहीं सकते भैया, करना तो बड़ी दूर की बात है, और वो तो लीस्ट कमा रहा है, सबसे कम कमाता है, हाँ या नहीं? yes. इस बिजनेस के अंदर आने के बाद मुझे समझ में आया, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ज्यादा मेहनत करने से ज्यादा पैसा आता है, लेकिन ये अधूरा सच है। पूरा सच ये है, जब तक आप अपनी मेहनत को सही दिशा में नहीं करेंगे आपको पैसा नहीं मिल सकता। हेलो, yes. आप ऐसा समझिए, आप और मैं दोनों मेहनती किसान हो सकते हैं, या यूं कहिए कि आप मेरे से तिगने मेहनती किसान हो सकते हैं, लेकिन अगर मेरी लैंड आपसे ज्यादा उपजाऊ और फर्टाइल है तो आपसे कम मेहनत करने के बावजूद भी मेरी आउटपुट और पैसा आपसे ज्यादा हो सकता है। हेलो, yes. yes. मैं आपसे ये बात क्यों कह रहा हूँ, हम सब लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं, एक भी आदमी कामचोर नहीं है यहाँ पे, और ये बात मैं क्यों दावे से बोल सकता हूँ, छुट्टी के दिन, संडे के दिन, क्रिसमस के दिन, इतनी ठंड के दिन, इतनी धुंध के दिन अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो इसका मतलब कुछ तो अंदर आगे बढ़ने की ललक है, नहीं तो आदमी ने आधे से ज्यादा ने तो बहाने ही मार दिया, आधे को तो ठंड बहुत थी, आधे को ये क्रिसमस था। लेकिन अगर आप यहाँ बैठे हो डिस्ट्रीब्यूटर्स प्लस नाइट गेस्ट, तो ये तो पक्का है मियां कि आप लोग जिंदगी में कुछ कर रहे हो या करना चाहते हो। हेलो, yes. और आप अगर कर रहे हो या करना चाहते हो तो आप मेहनती भी हो। हेलो, यस, मेरे को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट पता है किस आदमी के लिए आती है, जो आदमी मेरे से मिलके कहता है जी मैं बिल्कुल आपका काम करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास समय नहीं है। इतनी इज्जत आती है उस आदमी के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से समय किसके पास नहीं है, जो एक्चुअली किसी लायक है, जो ये कहता था ना समय बहुत है, मेरे हिसाब से धरती पे वैसे ही पहुंच जाओ। हेलो, मेरी नजर में आज की तारीख में जो आदमी समय नहीं है, जो कहीं बिजी है, जो कुछ कर रहा है, इसका मतलब तो मेहनत कर रहा है। क्यों मेहनत कर रहा है? क्योंकि अपनी जिंदगी को, अपनी फैमिली को वो अपग्रेड करना चाहता है, हाँ कि नहीं? yes. लेकिन प्लीज ये याद रखिएगा, जहां भी मेहनत कर रहे हैं एक बार ठंडे दिमाग से सोच के देखिएगा जरूर कि क्या दिशा ठीक है या नहीं, क्योंकि अगर जिंदगी में सच में BMW चाहिए, सच में मर्सिडीज चाहिए, सच में ऑडी चाहिए, सच में करोड़ रुपए चाहिए, सच में आपको वेकेशन चाहिए, सच में इतना सारा पैसा चाहिए कि पैसे के बारे में सोचना ना पड़े, तो भैया काम तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये सब आ सकता हो। हेलो, है ना, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया तो मेरे को तो सिर्फ एक चीज बोली उन्होंने, बोले भैया एक काम करो, तुमको नौकरी छोड़नी है कि नहीं छोड़नी, इसको कंपेयर करने के लिए दो चीजें करो। मैंने बोला क्या? बोले जो काम कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, उसमें अपने बॉस के बॉस की बॉस की जिंदगी देख लो। अपने बॉस के बॉस के बॉस की जिंदगी, क्योंकि मुझे समझ में आता है मेरे बॉस के बॉस के बॉस की बॉस की, चार लेवल चढ़ने में मुझे कम से कम 15 से 20 साल लगेंगे, और वही मेरी इच्छा है नौकरी में, यही तो होती है ना, मैं अपने बॉस के बॉस का बॉस का बॉस, मतलब मैं टेरिटरी मैनेजर हूँ तो मे बी मैं जोनल हेड बन जाऊं, फिर मे बी ऑल इंडिया हेड बन जाऊं, देन मे बी वीपी बन जाऊं, क्योंकि उसके ऊपर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और मालिक है, वहां तो पहुंच नहीं सकता आदमी। ऑब्वियसली ना, कंपनी में आप एक लेवल तक ही तो जाओगे ना, ये थोड़ा ना आगे आप मैं ही हूं। हेलो, उन्होंने बोला उसकी जिंदगी देख लो, ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला इधर जो कर रहे हो जिस रैंक पे, उसके ऊपर के ऊपर के ऊपर के ऊपर वाले की जिंदगी देख लो, जिसकी पसंद आए वो चुन लो। और मैंने जब नौकरी वाली देखी तो मुझे क्या दिखाई दिया, हाँ मैं बॉस के बॉस के बॉस के बॉस पे पहुंचूंगा तो 50 से 70 लाख रुपए साल का पैकेज होगा, लेकिन तब तक उम्र 50 से 55 के बीच में होगी, गाड़ी 50 लाख के पैकेज होने के बावजूद भी इनोवा के ऊपर नहीं होगी क्योंकि मैंने नहीं देखी, घर होगा लेकिन वो भी होम लोन पे होगा, बच्चे जरूर लंदन या अमेरिका में होंगे लेकिन वो भी एजुकेशन लोन पे होंगे, और
3600 बीमारी होंगी और उसके ऊपर से डायलॉग होगा मेरी ईगो बहुत है लेकिन मेरे शरीर में दर्द बहुत है क्योंकि बीमारियां बहुत हो गई क्योंकि आदमी ज्यादातर बाहर का खाता है ना, जैसे जैसे ऊपर जाओगे ट्रैवलिंग बढ़ेगी या कम होगी? हेलो, बच्चों के लिए टाइम बढ़ेगा या कम होगा? कम ही होगा। हेलो, मतलब आई हैव सीन दैट। आपके भी, आपको मेरी बात पे यकीन ना हो, अपने सीनियर के सीनियर के सीनियर के सीनियर को देखना आप, या तो उनका पेट खराब मिलेगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, या उनके घुटने में दर्द मिलेगा, मतलब जोड़ों में दर्द होगा, या फिर आप तो वो उम्र से पहले उनकी झुर्रियां दिख रही होंगी, या उनको डायबिटीज होगी, नहीं तो सांस की कोई प्रॉब्लम होगी। क्यों? शरीर की हर अंग की एक लिमिट है। जब आप उसको जरूरत से ज्यादा घिसते हो ऊपर जाने के लिए, तो फिर वो जो चीज आपने 25 साल में घिसी थी 25 से लेके 40 तक, वो 60 साल में आपको बताती है कि क्या हालत है। हेलो, आज अगर आप मेट्रो में खड़े होकर ऐसे जा रहे हो तो आज तो आप जवान हो, 15 साल ऐसे खड़े होकर जाओ, उसके बाद लेटने की पोजीशन भी नहीं रहेगी सीधी, क्योंकि 60 में आदमी फिर सीधा लेट भी नहीं सकता बिना बाम लगाए। आपको लगा पहली अब इधर देखा मैंने, तो बॉस के बॉस के बॉस का बॉस बोले तो मुबीन सर डायमंड, तो पहले तो देखा 2 साल में एक बार आते हैं इंडिया के बाहर रहते हैं, है ना? इनकम देखी 88 लाख रुपीज एक क्वार्टर की, एक आईडी से जल गया मैं लेकिन लगा चलो मतलब यू नो आई कैन बी लाइक दैट। और लास्ट चीज देखी उनकी उम्र जो थी वो 50-55 नहीं थी, मेरे से सिर्फ 2 साल बड़े हो, मैं 82 बॉर्न हूँ 80 बॉर्न। आप समझ रहे हैं डिफरेंस? आपको भी मैं ये बोलता हूँ, हमारी बातों को बिल्कुल मत जाओ। प्रैक्टिकली आप एक काम करो, जो भी करते हो उसकी 4 लेवल, और यहाँ वाले जो 4 लेवल है मेबी सीटीसी आईटीसी, है ना, हम भी मत देखो, हमारे ऊपर वाले को देख लो, जो हमारे से ऊपर है उनकी जिंदगी देख लो, और अपने बॉस के बॉस के बॉस के बॉस की जिंदगी देख लो, वहां पहुंचने में भी 25 साल लगेंगे, मान लो यहाँ भी 25 ही लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, हालांकि यहाँ पे बन जाती है बात 6-7 साल में, बट 25 भी मान लो आप, तो भी जो जिंदगी बेहतर लगे वो आप सुनो।